بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد مقتدر علماء ذوقار حاضرین و سامعین مکرم محترم المقام جناب محمد سعود صاحب کے لخت جگر اور زینت القراء پیر طریقت صاحبزادہ حکیم نصیر احمد چشتی صاحب کے روحانی فرزند فاضل جلیل علامہ غلام یاسین صاحب اویسی زید شرفہ کی دعوت ولیمہ پر ہم سب حاضر ہیں. فاضل شہیر علامہ غلام مصطفیٰ اویسی صاحب اور دیگر شخصیات تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ان دونوں خاندانوں کا جڑنا باعث رحمت فرمائے. دونوں کے لیے اللہ دینی زندگی نصیب فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے. یقیناً آج کے دور میں اس موقع پر اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا جہاد سے کم نہیں. یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ گھر بار باہر اندر دونوں اطراف سے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، خواہشات شروع ہو جاتی ہیں اور باہر کی بجائے گھر میں جہاد زیادہ کرنا پڑتا. بہرحال نیک نیت لوگوں کو اللہ کامیابی دیتا ہے، جن کی نیت صاف ہو ان کے لیے منزلیں قریب ہو جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں. مسلمان کا مطلب ہی تسلیم کرنا ہے. کس کو تسلیم کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کرنا ہے، پھر مسلمان ہے. ماننا نہیں، شریعت راضی کرنی ہے.
अपना अंदर नहीं बल्कि रब की रजा हासिल करनी। ऐसी तकारीब सईद मैं समझता हूँ कि काबिल तकलीद भी हैं, काबिल तहसीन भी हैं, कि जिस किस्म का माहौल चल रहा है इसमें मनपसंदी बहुत ज़्यादा है। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि हम शरीयत भी मर्ज़ी की तस्लीम करते हैं और मर्ज़ी का इस्लाम लेते हैं और वहाँ तक तो राज़ी रहते हैं इस्लाम पर जब तक हमारे मन को चोट ना लगे। मन राज़ी रहे तो हम इस्लाम पे राज़ी हैं, और यहाँ मन की इस्लाम मुखालफत करे वहाँ हम चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे हमारी मर्ज़ी पूरी हो। लेकिन जो अपनी मर्ज़ी को ख़त्म करके अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी को नाफिज करने की कोशिश करते हैं उनके लिए पैगाम रहमत है, उनके लिए अल्लाह उसके रसूल की तरफ से इनामात हैं, फ़ज़ल हैं, बरकात हैं। अब देखिए ना कि हवान और इंसान, हवानी ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी, हवानी ज़िंदगी में मन की परवरिश है, मन का सौदा है, मन की पूजा है, हैवानी ज़िंदगी है। क्यों कि जानवर के लिए ना कोई कानून है, जानवर के लिए ना कोई अदब है, जानवर के लिए कोई ऐसी हदूद व कयूद नहीं कि जिसका वो पाबंद हो। रिश्ते की पासदारी वो करेगा जो इंसान है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि जो आज का दिन गुज़रा है या गुज़र रहा है इसमें जो तूफ़ान बदतमीज़ी और जो अल्लाह उसके रसूल के साथ मजाक और जो आज नाम निहाद मुसलमान, दूसरे तो दूसरे हैं, जो गैर मुस्लिम हैं उन पे क्या गिला है, वो तो दायरे से बाहर हैं, वो ऐसे हैं जैसे जानवर है, जानवर के लिए ना माँ है, जानवर के लिए ना बाप है, जानवर के लिए ना बहन है। मैं मिसाल देता हूँ, कुत्ते को क्या पता कि बेटी क्या होती है, गधे को क्या पता बहन क्या होती है। जानवर ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई रास्ता भी इख्तियार करता है तो गिला जानवर पे नहीं, क्योंकि है ही जानवर है, इंसान पर बात है, इंसानियत पर बात है, और फिर मुसलमान पर बात है कि जानवर तो अपनी मर्जी पे चलता है, इंसान रब रसूल के मर्जी पे चलता है। तो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ ये जो सिलसिला हो रहा है मोहब्बत के नाम पे हो रहा है, और क्या तमाशा है और क्या बेहयाई का तूफ़ान है, और इस्लाम सोज सिलसिले हैं सारे के सारे, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से इसास से ज़ियां जाता रहा। असल मसला क्या है, इसास कोई नहीं रहा के क्या चीज़ ख़राब हो रही है, ज़ियां इसास से ज़ियां नुकसान कितना है, इसास ख़त्म हो गया है, ये असल में मसला है। तो इन मौके पर भी क्या होता है, इन मौके पर कहते हैं क्या करें जी, चलो खुशी है। भाई खुशी का तरीका क्या अल्लाह ने नहीं दिया,
रसूलुल्लाह ने खुशी के तरीके नहीं दिए। दुनिया का कोई गोशा ऐसा बताएं जिसकी इस्लाम ने रहनमाई ना की हो, नबी पाक ने उसकी रहनमाई ना की हो। मेरे नबी पाक ने तो इस्तंजे का तरीका बताया, वॉशरूम में जाने का तरीका बताया। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं काफिर आके हंसने लगा, कहने लगा तुम्हारे नबी ऐसे हैं कि जो इस्तंजे का तरीका भी बताते हैं? तो आप आगे सहाबी थे, पकीजा सोच, पकीजा नजर, क्या हालात। आपने फरमाया शुक्र है हम पाक हैं और हमें हर पाकी का तरीका बताया जाता है। तो ये पाकी के तरीके हैं। अल्लाह अकबर, हर गोशे पर सरकार की रहनमाई मौजूद है। शादी कैसे करनी है, निकाह कैसे करना है, गमी कैसे गुजारनी है, खुशी कैसे गुजारनी है, हर चीज की ए टू जेड तफसील मौजूद है। अल्लाह अकबर। खुशी पे क्या करना चाहिए? जी खुशी है, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मज़ीद 5 मिनट आपके और लूँगा, ज़्यादा समय शिकराशि का इरादा नहीं रखता। वैसे भी इन टेबलों पर ज़्यादा इम्तहान है, इन जगहों पर ज़्यादा एहसास होता है। अल्लाह अकबर। तो इंतज़ार लंगर हो तो फिर इंतशार भी बाज़ दफ़ा आ जाता है। तो बहरहाल हुस्न ज़न है आप पर और आप माशाल्लाह संजीदा लोग बैठे हैं, तो रस्ते में धुंध और सिलसिले की वजह से ताखीर भी हो गई और कुछ। अल्लाह अकबर, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह अकबर। आज मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल था, हमारा सालाना और मरकज़ का संगे बुनियाद का प्रोग्राम था, दूर दराज से मेहमान, उनका ताना बाना था, बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ के लिए निकलना पड़ा। ये भी हमारी औलाद है और रिश्ता ऐसा है कि बहुत सारी ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिनको निभाना होता तो मुस्तहब है लेकिन फ़र्ज़ के दर्जे में होता है। अल्लाह अकबर। खुशी कैसे करनी है और खुशी गुजारनी कैसी है, कैसे खुशी करनी चाहिए? ईद के मौका पर मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि रमज़ान शरीफ में हम कितनी इबादत करते हैं और कितना ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करते हैं, तो अब ईद खुशी का मौका है। अल्लाह को तो इबादत की ज़रूरत ही नहीं ना, वो तो हमने अपने लिए करनी है। तो चलो अल्लाह खुशी के मौका पर 2 नमाज़ें ही माफ़ कर देता, चलो 5 की बजाय 2-3 नमाज़ें हो जाती, खुशी ईद का दिन है, ईद का दिन है तो चलो हम खुशी कर लें। लेकिन हकीकी खुशी क्या है, हकीकत क्या है? जेलों में खुशियां नहीं होती, कैदियों को खुशियां नहीं होती। खुशियां तो उस दिन होंगी जब सोने का दीदार होगा, जन्नत होगी। असल खुशी तो उस दिन है, आंखें बंद होंगी तो आंखें खोलेंगी। इस करेंसी का रेट तो अगली मार्केट में, सिक्के इकट्ठे किए हैं, सोना इकट्ठा किया है, वो तो आंखें बंद करने के बाद चानन होगा कि इकट्ठा क्या करता रहा है। बाजार तो भेजा था खुशबू लेने के लिए, वो तो हिंग इकट्ठी करता रहा, वो तो भंग इकट्ठी करता रहा। भेजा किस लिए था, कर क्या गया, लेकिन नजर अभी नहीं आ रहा, एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जो ही आंखें बंद होंगी चानन हो जाएगा और इस तरह महसूस होगा कि जिस तरह असर से मगरिब का वक्त जितना जल्दी गुजरता है, मरने के बाद पता चलेगा जिंदगी में मैं बस 1 घंटा रहा हूं, 1 घंटा या आधा घंटा में रहा, याला 1 मरतबा मौका दे दे, अब तेरी कजा नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, 1 मरतबा मौका दे दे। हमारे शेख फरमाया करते थे जिंदगी इस तरह गुजारो जैसे मरने के बाद मुर्दा ख्वाहिश करता है। मुर्दा क्या ख्वाहिश करता है, या अल्लाह मौका दे दे, या अल्लाह मौका दे दे, अब तो तेरा तू है या मैं हूं, मस्जिद है या मैं हूं, कुरान है या मैं हूं, तेरा हुक्म है या मैं, 1 मरतबा मौका दे दे। फरमाया चुप कर, 70 साल दिए थे, 60 साल दिए थे, 50 साल दिए थे, क्या नबियों के पैगाम नहीं आए?
क्या रोजाना हय्या अलस सलाह की आवाज तेरे कानों में नहीं पड़ती थी? बस वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजुअ वनक्स मिनल अमवाल वलअनफुस वथमरात। इम्तिहान गुजर गया, अब रिजल्ट का इंतजार कर। कमरा इम्तिहान में आ गया है तू, वो कमरा इम्तिहान था, अब रिजल्ट है। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر الله أكبر। موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، کیوں آزمائیں؟ अजमाता तो वह है जिसे पता ना हो। तो या अल्लाह तुझे तो पता है कि हमने क्या करना है, तो फिर अजमाइश कैसी? पर मैं मुझे तो पता है, तू बड़ा डाडा है ना, जब तू आएगा तो तू कहेगा मुझे मौका दिया जाता तो मैं भी हुसैन जैसी सीट ले लेता, मैं भी हसन जैसा मकाम ले लेता। हमने करबला में भेज के रेत पर हमने लटाया ताकि कोई भी ये ना कह सके कि मैं भी कर लेता, कोई भी ऐसा ना कर सकता। अल्लाह वला नब्लुवन्नकुम अल्लाह अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये इमाम राजी ने इस बात में भी लिखा है कि हाथ गवाही देंगे, पांव गवाही देंगे, जुबान पे मोहर लग जाएगी, आंखें बोलेंगी, कान बोलेंगे। तो ये सारा सिस्टम अल्लाह ने क्यों किया? अल्लाह को पता है मुकर जाएगा, मैंने तो नहीं किया। मोटरवे पर पता भी है स्पीड मेरी 140 है, पता है, बिल्कुल पता है। पुलिस रोकती है, अस्सलाम वालेकुम, आप ओवर स्पीड है? नहीं, मैं तो ठीक जा रहा था। अच्छा, पता भी है कि ओवर स्पीड है? नहीं, मैं ठीक जा रहा था। नहीं हजरत, आप ओवर स्पीड थे। नहीं, आप थोड़ा पीछे रहिए, कैमरे में देखिए, जब कैमरा देखा जाता। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर अल्लज़ी खलक़ सब्अ समावातिन तिबाक़ा ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور। अल्लाह अकबर। यहाँ पर उलमा ने लिखा है कि मौत और हयात दो चीज़ें हैं, तो अल्लाह ने पहले मौत का जिक्र किया फिर हयात का जिक्र किया, तो वजह क्या? पहले तो ज़िंदगी थी फिर मौत थी। अल्लाह जी खालक अल हयात वल मौत होना चाहिए था, लेकिन पहले मौत वल हयात है। बहुत सारे नुकात मुफस्सिरीन ने समंदर से लेकर उम्मत को दिए हैं, लेकिन कुर्बान जाऊँ शाह अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग पर उन्होंने लिखा है, आप फरमाते हैं असल में ये है कि अल्लाह के नज़दीक ज़िंदगी है ही वो जो मौत के बाद है। ये तो इम्तहान है, ये कौन सी ज़िंदगी है? कैदियों की भी भला कोई ज़िंदगी होती है? कैदियों की क्या ज़िंदगी है? सिजनुल मोमिन, सिजनुल मोमिन, सिजनुल कैद खाना है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। तो इतनी खुशी के दिन कुछ नमाजें तो कम हो जाती या अल्लाह, लेकिन तूने क्या किया है? फरमाया खुशी का दिन है, दो रकतें और छह तकबीरें और। या अल्लाह कम करने की बजाय ज्यादा? फरमाया हाँ। इसीलिए ये फलसफा है खुशी का कि खुशी जिसने दी है उसकी तारीफ ज्यादा करो, उसको ज्यादा मानो, उसके लिए ज्यादा तारीफ करो। इसलिए खुशी उसने दी, रमजान शरीफ के बाद ईद है, छह तकबीर है उसके लिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे ही करम है आज बच्चे की शादी है, तेरे ही करम है आज बच्ची को मैंने लबेड़ा है, पैसा भी दिया तूने, फैक्ट्री भी दी तूने, या अल्लाह जो कुछ दिया तूने, मेरा क्या है, मैं तो एक ड्यूटी दे रहा हूं।
लेकिन जिंदगी में वादा है मालिक तेरी रिजा पे चलूंगा, तुझे मान के चलूंगा और तुझे नाराज नहीं करूंगा। खुशबख्त हैं ये लोग। मैं समझता हूं कि मेहंदी बरात पर भी ना तो तलावत, और आज का माहौल भी वलीमे का नहीं लगा और नबी के मिलाद का लग रहा है, और यही मिलाद और यही असल हकीकत है। अल्लाह अकबर। आप हम बरेसगीर के इस माहौल में ना जो रह रहे हैं, तो उसमें हम रिश्तेदारों को राज़ी करते हैं, ऐसे ही है कि खाला राज़ी हो जाए, चचा हो जाए, ताया हो जाए, करना भी चाहिए, और जिन्हें राज़ी करने जाएं उन्हें भी चेड़े नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए। हजूर की हदीस का मफहूम है कि जो बेकसूर शख्स किसी दरवाजे पे जाए उसे राज़ी करने के लिए, आला कसूर भी उसका हो, राज़ी करने के लिए बेकसूर जाए। हदीस का मफहूम है, सुनो मन ठंडा होगा। हजूर ने फरमाया जाने वाले की माफ़ी मांगने वाला कि यार माफ़ कर दो, मेरी गलती है, लेकिन तू आ जा, मेहरबानी करो, सिला रहमी है, आ जाओ जी, आपके बगैर नहीं ठीक होगा, आप आ जाएं। हालांकि कसूर भी उसका है, लेकिन गलती कर माफ़ी मांगने वाला बेकसूर है, लेकिन उसके दरवाजे पे जाता है। हजूर ने फरमाया उसे खुशखबरी है, दरवाजे पर अभी पहुँचेगा नहीं, अल्लाह बख्शिश फरमा, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा कि उसने मुआफ़ी मांगी। अल्लाह और फरमाया जो खुश दिली से मुआफ़ कर दे गलती, माफ़ी मांगने वाले की भी हो और खुश दिली से माफ़ कर दे, चलो आ गया मेरे दरवाजे पर, और क्या लकीरें निकलवानी है, आ गया, खैर है, चलो ठीक है जी, आपका आना ही काफ़ी है। अल्लाह फरमाता है हुजूर की हदीस शरीफ में, अल्लाह अकबर, फरमाया हदीस कुदसी में है, क्या अल्लाह फरमाता है कि इसने इसका कसूर माफ किया, हमने इससे बड़ा कसूर उसका माफ कर दिया। अल्लाह उसके कसूर माफ कर देता है। राजी हो जाना, राजी करना, राजी रहना, ये अल्लाह को राजी है, राजी रखने का प्रोग्राम है, और अल्लाह उनसे राजी होता है। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। आज हमारे मुआशरे में डब्बा पीरों, आमिलों और ऐसे जाहिल लोगों ने तमाशा बनाकर एक दूसरे से दूर कर दिया। बहन बहन के घर का लंगर नहीं खा सकती, भाई भाई का खा नहीं सकती, पता नहीं किसी ने पढ़ ना दिया हो, पता नहीं किसी ने कुछ कर ना दिया हो, पता नहीं ये पढ़ती रहती है, वो पता नहीं हम पे कुछ पढ़ती रहती है। अल्लाह अकबर जल्ले, ये हिसाब लगाने वाले और ये सारे के सारे जाहिल टोला और जाहिल तबका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैयुन फिल अर्दी वला फिस्समाई वहुवस समीउल अलीम। ये दुआ पढ़ के जहर भी खा लो, मेरे नबी ने फरमाया असर नहीं करेगा। यकीन है अल्लाह अकबर, और क्या कुछ कर सके, जब मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो क्या कुछ कर सकेगा। और दूसरे का दिल रखने के लिए पहले माहौल ऐसे होते थे लोगों के घर, एक दूसरे के खाने पकाने भेज देना, आ जाना, आज उस चीज़ से भी हम जाते रहे, इन शुभों की वजह से और इन वसवसों की वजह से और इन मामलात की वजह से ये हमारे यहाँ तमाशा बन चुका है। बहरहाल अल्लाह इस उम्मत के हाल पर रहम करम फरमाए और इस उम्मत के बेड़े को पार फरमाए। मैं शायद कुछ वक्त ज़्यादा ले चुका हूँ, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। राज़ी हम जब रिश्तेदारों को करते हैं तो कोशिश होती है कि बच्चे का ताया भी राज़ी हो, चचा भी राज़ी हो, बच्चे की खाला भी राज़ी हो, बच्ची की खाला भी राज़ी हो। लेकिन एक सवाल है कि सबको राज़ी करते हो, कितने लोग हैं जो कहते हैं मेरे बच्चे की शादी पर भाई भी राज़ी है, चचा भी राज़ी है, बहन भी राज़ी है, लेकिन उस शादी पर अल्लाह भी राज़ी है, अल्लाह का रसूल भी राज़ी है। खुशबख्ती है इनकी, यकीनन ये दीनी माहौल का असर है। एक बच्चा दीन के रास्ते पे लगाया तो आज ये रहमत भरा माहौल नसीब हुआ। काश हमारी औलादें, उनके अंदर दीन चला जाए और हमारे घरों के अंदर दीन चला जाए। दीन में ही सब कुछ है, इसी में आफियत है, इसी में बरकत है। घर दोनों जहां में तुमको मकसूद आराम है, उनका दामन थाम लो मोहम्मद जिनका नाम। अल्लाह अकबर। ए ते दोस्ता तेरे दिल दी मर्जी है, जेड़ा दिल कर दई हो सीट ले लै, भावें बागे फरदोस दियाँ मार मौजा, भावें नारे जहीम दी हीट ले लै, छड़ तमियानो कोई स्वीट ले लै, जे दे तेरे ते राजी हुजूर हो गए ते भावें रहमतों दी मार कीट ले लै, जे तेरे ते राजी हुजूर हो गए ते हुण हशर विच केस कोई नहीं, जिथे नूर हुजूर दा चमकदा नहीं, दुनिया उत्ते ऐसी प्लेस कोई नहीं, छड़ के
प्यार नबी करीम दा जलिया दीन ईमान दी होर बेस कोई नहीं पर ना दावा करे वो आशकी दा जिदे सामने आका दा फेस कोई नहीं। अल्लाह हमें इल्म अमल से माला माल फरमाए। मुझे खुशी हुई अल्लाह इन बच्चों को कामयाब फरमाए, इन घरों को मिले रहने की तौफीक अता फरमाए, जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। शर और शरूर हर हर हसद और हासिदीन के चुंगल और बुरी नज़र से सबको महफूज फरमाए। व आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन। اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة। अल्लाह करीम इन नशिस्त को कबूल फरमा कर ज़रिए निजात बना दे, बख्शिश की अलामत अल्लाह इसे करार दे और अपने फजल से कबूल फरमा ले। दोनों ख़ानदानों का भला फरमा दे, खैर फरमा दे, उनको शर से महफूज फरमा दे। मौलाना खावर हुसैन नक्शबंदी साहब के दराजात बुलंद फरमा दे, उनकी बख्शिश व मगफरत फरमा दे। साऊद साहिब और इनके ख़ानदान के जितने मुतल्लिकीन साहिब ईमान पर्दा फरमा गए, अल्लाह सब की बख्शिश फरमा, मगफरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। कारी खालिद साहिब की भी बख्शिश व मगफरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। दीगर जितने साथी इनके मुतल्लिकीन साहिब ईमान पर्दा फरमा गए, अल्लाह सब के लिए बख्शिश व रहमत सब का मुकद्दर फरमा दे। जितने अहबाब यहाँ हाजिर हैं सब के लिए भलाई और खैर सब का मुकद्दर फरमा दे, सब के लिए आसानियाँ फरमा दे। रब्बे गफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमाईन।